अब चलो, तुम्हें इस जंगल से जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। चलो। इच्छा। बाबल जी, मुझे नहीं लगता मैं और आगे चल पाऊंगी। नागोमी देव की इस मूर्ति को इस जंगल के बाहर नाग चैतन्य भूमि पर स्थापित कर पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। साथिया, साथिया, मेरे साथिया, 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 मेरे साथिया। नागोमी देव, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये परीक्षा खत्म हुई। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपने बब्बल जी को माफ कर दिया है। शुक्रिया नागोमी देव, आप ही की वजह से मैं इच्छा तक पहुंच पाया, उसे बचा पाया। शुक्रिया। चलिए बब्बल जी, हम नागिस्तान चलते हैं। सबसे कह देते हैं कि परीक्षा सफल हुई, अब उन्हें आपको मारने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। मुखिया जी, पिताजी, देखिए आपकी इच्छा आपके सामने खड़ी है। नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा पूरी की है, नेवला क्षेत्र पार किया है, नाग चैतन्य भूमि पर नागोमी देव की मूर्ति स्थापित की है। नागिस्तान का इतिहास ये कहता है, जब जब किसी ने यह परीक्षा पार की है, नागोमी देव ने उसे क्षमा किया है। आज मैं भी क्षमा की उम्मीद करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये परीक्षा देने का फैसला मेरा था, लेकिन इसमें बब्बल जी ने मेरा साथ दिया। अगर वो ना होते तो शायद मैं जिंदा वापस आ ही नहीं पाती। हम तुम्हारे प्यार और हिम्मत की कद्र करते हैं, लेकिन हम नागिस्तान का विधान नहीं बदल सकते हैं। बब्बल नागिस्तान के बारे में बहुत कुछ जान चुका है और अब तो यहां पहुंच भी गया है। अब इसका जिंदा रहना असंभव है। इसे मरना होगा। अगर आपका यही मानना है तो ठीक है, जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन बब्बल जी को मारने से पहले आपको मेरी मौत देखनी होगी। नहीं इच्छा, तलवार नीचे करो, नीचे करो। मुखिया जी, आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। नागिस्तान का विधान किसी भी इच्छा और बब्बल से ऊपर है। तक्षक, मेरे तीन गिनने पर तुम बब्बल को इस जहर के कुंड में धक्का दोगे।
मुझे गलत मत समझना, नागिस्तान का मुखिया होने के नाते मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे ये सब करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पति जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर गुजरता है, उसे इस तरीके से सजा देना, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं तुम्हारी मौत तो नहीं टाल सकता, लेकिन उसे आसान जरूर बना दिया है। हम तुम्हें ऐसी मौत देने जा रहे हैं जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं है। इस कुंड में नागिस्तान का सबसे तेज जहर भरा हुआ है। इसमें गिरने के बाद कुछ ही पलों में तुम्हारी जान निकल जाएगी। ले जाओ इसे। रुको मुखिया जी, मैं और बब्बल जी पति पत्नी हैं। हमने एक दूसरे को वचन दिया है, हम जिएंगे तो एक साथ जिएंगे और मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। अगर आपको मारना ही है तो हम दोनों को मारना होगा। साथिया ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नागिस्तान के विधान की रक्षा करने के लिए अगर मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़े तो मुझे वो भी मंजूर है। आज यहाँ एक नई मिसाल कायम हुई है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। नागिस्तान नागों की भूमि है, नाग ईश्वर की वो रचना है जो शांति और प्यार में विश्वास करते हैं। आज धरती पर इंसानों ने ईर्ष्या, अहम, लालच और झगड़े ने कहर मचा रखा है। उसके संसर्ग से बचने के लिए ही हमने नागिस्तान को हमेशा इंसानी बस्ती से दूर रखा है। यहाँ का हर नियम उसी इरादे से बना है, लेकिन दुनिया का कोई नियम प्यार से ऊंचा नहीं। आज बबल ने अपनी पत्नी के लिए जो किया है वो प्यार की सबसे बड़ी मिसाल है, और इसीलिए मैं नागोमी देव आज बबल को नागिस्तान के विधान से मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ, मुक्त करता हूँ। लेकिन एक शर्त है,
आजीवन बब्बल को नागिस्तान के रहस्य को रहस्य ही रखना होगा। अगर गलती से भी ये रहस्य किसी के सामने खुला तो वो पल तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी पल होगा। इच्छा, गुरुजी के मुख से साक्षात नागोमी देव ने अपना फैसला सुनाया है। हम सबके लिए उनका फैसला सबसे ऊपर है, हम सब उसका आदर करते हैं। बब्बल, अब तुम आजाद हो, तुम इच्छा के साथ अपना गृहस्थ जीवन जी सकते हो, लेकिन हां, नागोमी देव की शर्त हमेशा याद रखना। मैं जानता था तुम दोनों का प्यार तुम्हें हर कसौटी से पार कराएगा। बच्चों, नागोमी देव की कृपा का भार संभालना आसान नहीं है, इसलिए तुम दोनों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। आज से जो भी करोगे सोच समझ कर और संभल कर करना। यहां से जाते वक्त जख्म नहीं खुशियां लेकर जाओगे तुम दोनों। जाओ, नागोमी देव तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अरे खाइए, खाइए पकोड़े। बस 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 बस, अरे खाओ ना। और कितने पकोड़े खिलाएंगे आप लोग? ये पकोड़े छोड़िए, मुझे इच्छा का पता बताइए। एक ये बात हुई दरोगा जी, हम इतने प्यार से आपकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं और आपकी सुई इच्छा पर अटकी है। सुई तो अटकेगी ना कौशल्या जी, खून का मामला जो है। अरे कोई खून वो ना हुआ है, ये हमारा प्रबल है ना, अव्वल दर्जे का बावला है, कुछ भी उठ पटांग बोलता रहता है। आप इसकी बातों में मत आइए। हाँ दरोगा जी, रातों में बिल्कुल मत आना, क्योंकि रातों में हम सोते हैं कोई फायदा ना होगा। आपको जब भी आना हो दिन में आना, तसल्ली से तहकीकात करना। अरे ओ भाई, मारा तुम्हें आने की बात ना कर रही, इस बात तुम्हें आने की बात कर रही है, समझा? अरे बस करो यार, मुझे इच्छा से मिलना है। हाँ दरोगा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इच्छा से तो आप जरूर मिलके जाना। वो देखो क्या है, हम सब से तो आप मिल चुके हो, इच्छा से मिले नहीं अभी तक। अब उससे नहीं मिलोगे तो उसे बुरा लग जाएगा ना। वैसे दादी, इच्छा है कहाँ, दिख ना रही कहीं? गलत वक्त में सब भूल जावे है, मरवाया गया एक दिन। अरे वो रही इच्छा चाची। अरे दरोगा जी, आप कब आए? पकोड़े? थैंक यू दादी, मुझे बहुत भूख लगी थी। इच्छा खाओगी? हाँ। अब देखना मैं इसके थप्पड़ लगाएगी। लगाऊं दो थप्पड़, कहाँ गई थी इच्छा जी? आप कहाँ थी? आपको पता है आपके बगैर यहाँ पर कितनी गड़बड़ हुई है? वो मैं बब्बल जी से नाराज होकर अपने मायके चली गई थी, फिर बब्बल जी खुद सामने से चलकर आए, मुझे मनाया, मेरी नाराजगी दूर की और मैं वापस चली आई। दरोगा जी मिल लिए इच्छा से,
इसका खून वो ना हुआ है, जिंदा खड़ी है आपके सामने। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो तो मैं चलता हूँ अब। और तू इच्छा के पीठ के पीछे के बोल रहा था, बताऊ मैं इसे? क्या बोल रहे थे दादी? दादी वो तो मैंने ऐसे ही। नहीं नहीं दादी बताइए ना। ये तुझे नागिन बोल रहा था। पति पत्नी में तो झगड़े होते रहते, लेकिन समझदार पति पत्नी वो होते कि जो समय के रहते झगड़ा खत्म करते। और आज तुम दोनों ने वही समझदारी दिखाई, शाबाश। अब जाओ, जाके आराम करो, थक गए होगे। बब्बल जी, वो इंसानों में कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मतलब? मतलब देखिए ना, आपने अपनी जान खतरे में डाली, मुझे बचाया, इसी बहाने मुझे फिर से यकीन हो गया कि आप मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ नहीं। आप भी ना। अरे बब्बल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? कभी रुकने के लिए कहते हैं, कभी अजीब अजीब मुंह बना रहे हैं। अरे मेरे करीब आते कांटे चुभने लगते हैं क्या आपको? नहीं इच्छा, ऐसी बात नहीं है। जाइए, मुझे आपके पास आना ही नहीं है। नहीं इच्छा, ऐसा नहीं है। देखो, जब तुम मेरे करीब आती हो ना, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। किस करते करते तुम्हारा फन निकल आया तो? और देखो अच्छा, बात को समझो, एक नागिन और एक इंसान। इस ख्याल से ही देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है? तुमने कहीं कोई चूहा देख लिया, उसके पीछे भाग गई तो? पप्पल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? चूहा? मैं चूहे के पीछे भागूंगी? आज तक मैंने ऐसी कोई हरकत की है? आप भी ना। पप्पल जी, मैं नागिन हूँ, लेकिन अब बाकी नागों की तरह चूहे मेंढक नहीं खाते। हम तो सिर्फ और सिर्फ दूध पीते हैं। मतलब वो तुम ही थी जो हर बार घर का सारा दूध गटक जाती थी, है ना? हाँ। अच्छा बब्बल जी, मजाक छोड़िए और सुनिए। मैं भले ही इच्छाधारी नागिन हूँ और आप एक आम इंसान, लेकिन हमारे बीच कभी कुछ नहीं बदलेगा। हम आम इंसानों की तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे, इसी तरह एक दूसरे के करीब आएंगे। मेरा इच्छाधारी नागिन होना हमारे किसी भी चीज में आड़े नहीं आएगा। बस हमें एक बात का ख्याल रखना है, नागिस्तान का राज वो गलती से भी किसी के सामने कभी नहीं खुलना चाहिए। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। बस इसी तरह आप मेरा साथ देते रहिए बब्बल जी, फिर हम दोनों मिलकर मेरे मकसद को पूरा करके ही रहेंगे। कैसा मकसद? नागों के प्रति इंसानों की सोच बदलनी है, उन्हें नागों का दोस्त बनाना है, और इसकी शुरुआत मैं हमारे घर से करना चाहती हूँ। हमारे घर से क्यों? नागों से हमारा घर जितना डरता है, उतना तो दुनिया का कोई भी घर नहीं डरता होगा। उनके मन से नागों के लिए डर निकालना होगा, उन्हें नागों के करीब लाना होगा। क्यों? नागोमी देव ना करे, लेकिन आगे चलकर हमारी पोल खुल भी गई तो हम मतलब जोर का झटका धीरे से लगे, है ना? ठीक है, तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने में मैं तुम्हारे साथ। मैं तेरी, तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी, तू है मेरा, एक दूजे के है हम।